जय हिंद किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र और आप देख रहे हैं फार्मर्स हेल्प इंडिया, जहां पर बात होती है सिर्फ किसान के मुद्दे की। तो आज का किसान का मुद्दा कि फसल का उत्पादन ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। तो किसान साथियों, किसानों से जुड़ी हर प्रकार की सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी, चाहे भाव से जुड़ी चाहे खेती से जुड़ी। हर किसान को उन्नतशील बनाना ही हमारा उद्देश्य है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे एक जैविक पोषक तत्व की, जैविक उर्वरक की, कि जो आपकी फसल के उत्पादन को अच्छा खासा बढ़ा देगा। किसान साथी क्या करते हैं कि अपने फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस या जिंक, सल्फर या पोटाश डालते रहते हैं, तो उनका सही से पौधे तक पहुंचाने का काम एक जैविक उर्वरक करेगा। जो इसके बारे में आज आपके साथ जो बात साझा करूँगा कि कौन सा आप ऐसा जैविक उर्वरक है बाज़ार से लाकर अपने खेत में डालिए, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि किसान साथी पीछे पड़े रहते हैं कभी पोटाश जिंक या, तो उसका अगर सही से पौधे को फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। आपको कई बार पता चलता है कि इस बार हमने जो अपने खेत में कई सारे जो फर्टिलाइज़र डाले, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला। अगर उसका सही से फ़ायदा लेना है तो आपको जैविक उर्वरक डालना ही होगा। उस जैविक उर्वरक का नाम है माइकोराजा। किसान साथियों, यह आपकी फसल में ज़्यादा पैदावार लेने में बिल्कुल बिल्कुल सहायक है, और आप एक बार अपने खेत में डालकर देखना तो आपको इसका बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा अपनी फसल में मिलेगा। तो आज आपको सरल भाषा में बताऊँगा कि यह काम किस तरीके से करता है और आपकी पैदावार किस तरीके से बढ़ाता है। किसान साथियों, माइकोराजा एक जैविक उर्वरक है और यह पौधे और जो कवक है उसके बीच में सहजीवी संबंध है। कवक है जो भूमि से अवशोषित पोषक तत्व पौधे तक पहुंचाता है जड़ों के माध्यम से। जो माइकोराजा है वो आपकी ज़मीन को बिल्कुल नरम करता है और जो पौधे की जड़ है वो गहराई तक जाती है। साथ में जो ज़मीन में कोई भी पोषक तत्व जो आपने पहले डाला या ज़मीन में पड़ा हुआ है तो वो पौधे तक पहुँचाता है। सरल भाषा में बता दूँ तो चाहे आपकी ज़मीन में कोई भी पोषक तत्व है, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वह घुलनशील अवस्था में बदलकर वह आपके पौधों को जड़ों तक पहुंचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता से बहुत मजबूत करता है। जड़ों को जो रोग मुक्त है वह करता है और आपके पौधे का फैलाव, फल फूल ज़्यादा आते हैं, इससे आपके पौधे को ज़्यादा फायदा मिलता है। माइकोराजा पौधे और जड़ों के बीच का एक संबंध होता है। यह संबंध 95% पौधों में पाया जाता है। माइकोराजा मिट्टी से पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, जिंक, सल्फर या सभी छोटे प्रकार के जो कोई भी अगर आपके ज़मीन में पोषक तत्व पड़े हुए हैं, ज़मीन में गहरी ज़मीन में चाहे 2 फुट नीचे हो चाहे 4 फुट, तो वह जड़ों के माध्यम से पौधे तक पहुँचाता है। फसलों का महत्वपूर्ण अंग है जैविक खाद और यह माइकोराजा अपने आप खेत में डाल सकते हैं। कितनी मात्रा में आप डाल सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। किसान साथियों, यह जैविक उर्वरक है। किसान साथी जो फर्टिलाइज़र के पीछे पड़े रहते हैं, ऊपर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन आप एक साल में एक बार अपने खेत में डालकर देख लीजिए। जुताई के समय तो आपको बिजाई या जुताई के समय तो आपको छिड़काव कर दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों, आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में जो माइकोराजा है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो आप ले आए और माइकोराजा अपने खेत में डाल दें। अगर पौधे की जड़ों का सही से विकास होगा, सही से सारे ज़मीन से पोषक तत्व लेगा, तो आपको पता है उत्पादन में पूरा प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। तो किसान साथियों, सही और सटीक जानकारी देना ही हमारा उद्देश्य है। आप प्रति एकड़ के हिसाब से 3 kg माइकोराजा अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा।